हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद तालिब एंड आई एम हियर टू सर्व माय सेल्फ टू टीच एंड एनहांस योर नॉलेज। गाइस, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड टॉपिक। दो हम कवर कर चुके हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। उसका लिंक आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एडजेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, आप पहले मतलब समझिए सेंस। एडजेक्टिव कहते हैं उसे जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई करे, मतलब उसकी खासियत को बताए, क्वालिटी बताए, ठीक है। जैसे सर, इसकी डेफिनेशन देखिए पहले। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। मैंने आपको बताया नाउन एंड प्रोनाउन की खासियत या क्वालिटी बताएगा कौन, एडजेक्टिव। आप सेंटेंसेस के थ्रू सही से समझिए। आमिर इज अ लेजी बॉय, ठीक है। आमिर को हमने क्या बताया, वो एक लेजी बॉय है। अगर मैं कहूँ आमिर इज अ बॉय, तो आमिर एक लड़का है बस, उसकी स्पेशलिटी नहीं पता चली, क्वालिटी नहीं पता चली कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। लेकिन जब हमने कहा आमिर इज अ लेजी बॉय, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आमिर एक लड़का है और वो कैसा है, लेजी। कैसा है, लेजी। तो जब हमें पता चल जाए कि लड़का कैसा है, या सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है उसकी क्वालिटी पता चल जाए, दैट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। यहाँ मैंने कहा इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन मैंने खासियत बताई किसकी, इस आदमी की। ये आदमी कैसा है, ये आदमी ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज अ क्लेवर बॉय, ही इज अ क्लेवर बॉय, मैंने बताया कि ये एक चालाक लड़का है, ठीक है। अगर मैं कहता ही इज अ बॉय, तो उसकी स्पेशलिटी नहीं पता चलती, लेकिन मैंने कहा क्या कहा, क्लेवर। क्लेवर मतलब आगे यहाँ पे एडजेक्टिव, क्लेवर मतलब चालाक, दैट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। समझ में आया आपके एडजेक्टिव। अब चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। देखिए, एडजेक्टिव के पार्ट्स पढ़ने से पहले ना आपको दो चीजें समझना जरूरी है, कौन सी, प्रेडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव। अब इनका मतलब समझिए। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो होता है जहाँ पे प्रोनाउन या नाउन से पहले एडजेक्टिव लगते हैं, और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव लगते हैं, ठीक है। समझ में आया आपके। चलिए आप देखते हैं इसका फर्स्ट टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। शो द काइंड ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी भी चीज की या किसी भी पर्सन की क्वालिटी बताता है कौन, एडजेक्टिव, ठीक है ना। सेम एडजेक्टिव यही है, बस आपको क्वालिटी बतानी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, किसी चीज की क्वालिटी बताना, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, कोलकाता कैसी सिटी है, कैसी, लार्ज, ठीक है ना। तो लार्ज यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नैना हैज अ ब्लैक डॉग। अब मैंने कहा नैना के पास एक डॉग है। अब आपने पूछा नैना के पास कैसा डॉग है, तो कैसा, कैसा दैट मीन्स एडजेक्टिव, कैसा ब्लैक डॉग है, ब्लैक एंड एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं कहूँ शी इज अ गर्ल, तो यहाँ पर कोई भी क्वालिटी की बात नहीं हो रही, शी इज अ गर्ल नॉर्मली। लेकिन मैंने कहा कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने नाउन या प्रोनाउन को क्वालिटी बताई है, उसकी क्वालिटी, स्पेशलिटी, ठीक है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हुआ, एक एडजेक्टिव। आगे देखिए, ही इज अ क्लेवर बॉय। अब यहाँ पे क्लेवर क्या है, क्लेवर यहाँ पे है एडजेक्टिव, ठीक है। अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। इसमें बस आपको ये बताना है कि एडजेक्टिव ये चीज बताएगा किस चीज की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से ही, नाम से ही पता चल रहा है आपको, दैट इज एन एडजेक्टिव जो हमें क्वांटिटी बताएगा, ठीक है। शो हाउ मच थिंग इज मेंट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, आई एड सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, तो इसका क्या मतलब, सम, यहाँ पे क्वांटिटी बताई इसने, दैट इज एन एडजेक्टिव। आगे, ही शोड सम पेशेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देर हैज नॉट बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसने क्या बताई, क्वांटिटी बताई, दैट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, बताया ना, लिटिल कम मतलब, तो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी बताई, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए अब आगे देख, अब देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है ना। यहाँ बताएंगे हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब कितने, जिन्हें हम गिन सकें। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बताया था हाउ मच, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, लेकिन वो भी क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट, ठीक है। अब इसके तीन पार्ट होते हैं, कौन से, इनडेफिनेट, डेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे, बस आपको यहां देखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है।
डेफिनेट एडजेक्टिव्स की बात करते हैं पहले. डेफिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? देखिए, डेफिनेट एडजेक्टिव्स विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर. बहुत इजी है. डेफिनेट मतलब वो एक नंबर को डिनोट कर रहे हैं, एक चीज को बता रहे हैं. ठीक है, जैसे यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा. ठीक है ना, ये नंबर को ही तो बता रहे हैं. जैसे एक पर्सन है, मतलब एक नंबर, या 2, 3, 4 ऐसे, इनको कहते हैं कार्डिनल्स. ठीक है, अब देखिए 1st, 2nd, 3rd, ये भी तो एक नंबर को ही शो कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट नंबर को डिनोट कर रहे हैं. दैट इज डेफिनेट एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो 1st, 2nd, 3rd एक्सेट्रा, इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनल. इनको कहते हैं 1, 2, 3, 4 कार्डिनल, एंड 1st, 2nd, 3rd दैट इज ऑर्डिनल. ठीक है, समझ में आया आपके? अब देखते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो ये बिल्कुल डेफिनेट का ऑपोजिट होता है. कैसे? विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो एग्जैक्ट नंबर को डिनोट ना करे. जैसे इसमें कर रहा था 1, 2, 3, 4, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे. यहाँ पे कैसे होगा? ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सेवरल, मतलब कुछ लोग या उनकी गिनती, मतलब गिनती नहीं बता रहे हम, बता रहे कुछ लोग या सब. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देखिए. There are several people in the safe room. अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है? कुछ ही लोग हैं जो सेफ रूम में हैं. ठीक है, Some mice have chewed the cable. Chewed कहते हैं चबाने को. ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल रहा है क्वांटिटी बताई जा रही है, लेकिन क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं बताई जा रही. तो इसमें क्या होगा? दैट इज इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स. समझ में आ रहा है आपके? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. देखिए, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है? हम हर एक बंदे की बात करते हैं, हर किसी के ऊपर हम डिनोट करेंगे. कैसे? विच रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर. ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, मतलब हर किसी को, हर एक को अपनी टर्न लेनी है. ठीक है ना, सेकंड एग्जांपल, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, मतलब हर एक वर्ड यहाँ का, इस पे जो लिखा है वो गलत है. समझ में आया आपके? ये तीन पार्ट में होता है. कौन सा? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. कौन कौन से? डेफिनेट एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. अब चलते हैं आगे. अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपको कन्फ्यूज नहीं होना. ठीक है, यहाँ पर बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि प्रोनाउन कहाँ पर होगा और एडजेक्टिव्स कहाँ पर होगा. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट. ठीक है, ये किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं. ठीक है, जैसे दिस इज माई कार, दिस इज योर बुक, दिस इज माई पेन, ऐसे. ठीक है, इसमें चार होते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज. तो आगे देखिए आप, दीज, दिस बॉय. अब यहां पर दिस किसके साथ आ रहा है? एक नाउन के साथ आ रहा है. नाउन के साथ आएगा तो वो क्या होगा? एग्जेक्टिव. दिस किसी भी नाउन या के साथ आएगा वो क्या होगा? एग्जेक्टिव. ध्यान रखनी है आपको ये बात. अगर दिस नाउन के साथ नहीं आएगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. ठीक है ना, लेकिन यहां पर किसके साथ आ रहा है? नाउन के साथ आ रहा है. तो ये क्या है? दीज मैंगोज आर सोर. तो यहां पर ये क्या है? यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल. तो अब यहां पर क्या आया? वाटर बॉटल, दैट वाटर बॉटल, है ना. तो यहां पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव. दोज रास्कल मस्ट बी पनिश्ड, है ना. आपको समझ में आया? यहां पे हम एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो किसी नाउन के साथ जुड़कर आ रहा है. इन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. अब देखिए नेक्स्ट केस, पजेसिव एडजेक्टिव्स. पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, सेम केस इस पर भी इम्प्लीमेंट होगा. माई, हर, हिज, योर, देयर, किसी भी नाउन के साथ आएंगे तो क्या होगा? एडजेक्टिव्स होंगे. नाउन नाउन के साथ नहीं आएंगे तो वो प्रोनाउन होंगे. ठीक है, अब देखिए शी इज माई सिस्टर. अब यहां पर सिस्टर किसके साथ आ रहा है? माई के साथ आ रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव. वॉश योर हैंड्स. अब योर के साथ क्या आ रहा है? हैंड्स आ रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या ये एडजेक्टिव है. अब देखिए यहां पर, इज दैट योर वॉलेट. तो योर के साथ क्या आ रहा है? वॉलेट. हमेशा किसी चीज की बात हो रही होगी. अकेले नहीं आएंगे एडजेक्टिव में, अकेले आएंगे तो वो क्या होंगे? प्रोनाउन. अब देखिए, देयर हाउस नियर द सिटी. देयर मतलब उनका घर. समझ गए आप? यहां पर ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स. अब चलते हैं आगे. अब देखिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इसमें इंटरोगेटिव आपको पता है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन. अब ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव्स भी होते हैं. सेम केस इसमें भी होगा जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में और पजेसिव में बताया. कैसे? देखिए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन. अब ये नाउन के साथ लगते हैं क्वेश्चन पुट करने के लिए. ठीक है ना, क्वेश्चन पूछने के लिए. अब देखिए, हुज बुक. अब यहाँ पे क्या हुआ? ये साथ लग रहा है, हुज बुक इज दिस.
तो यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, यहां पर क्या है, एडजेक्टिव। अगर बुक नहीं होता यहां पे, हुज अकेला होता, दैट इज प्रोनाउन, ठीक है, समझ गए आप। आगे देखिए, व्हाट पेंस आर यू बाइंग टुडे, समझ रहे हो ना, व्हाट पेंस, अब यहां पे नाउन लग गया ना इसके साथ, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, कौन सा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट देखिए, विच प्लेयर डिड गेट अ 50 यस्टरडे, विच प्लेयर, अब यहां पे क्या हुआ, नाउन के साथ लग गया क्या, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब नाउन के साथ नहीं लगेंगे तो क्या होगा, प्रोनाउन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब देखिए कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, इसमें क्या है, कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, किन चीजों को कैसे किससे, अभी वो देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, चेंज इन फॉर्म पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव टू शो कंपैरिजन, ठीक है ना, तीन फॉर्म होती है इसकी, कैसी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, क्या दिखाने के लिए चेंज होती है ये, कंपैरिजन शो करने के लिए, ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आ गई, कंपैरिजन और एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। अब देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स, कैसे, देखिए फॉर्म देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, इसके भी एग्जांपल्स हम समझेंगे ये कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैक इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये कोई कंपेयर नहीं हो रहा यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना, किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा, ना सुपरलेटिव डिग्री है, बस हमने एक नॉर्मल सेंटेंस बोल दिया, जैक इज एन इंटेलिजेंट बॉय, दैट इज ये पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए, अब जैक से भी ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, मैं क्लास में गया और मैंने देखा जैक इंटेलिजेंट है ना, फिर मैंने दूसरे बच्चों का टेस्ट लिया, तो उसमें से जैक कम इंटेलिजेंट निकला और सैम ज्यादा इंटेलिजेंट निकला, तो मैंने कंपेयर किया वहां पे, कैसे कंपेयर किया, सैम इज मोर इंटेलिजेंट देन जैक। अब जब मैंने कंपेयर किया तो कौन सी डिग्री यूज हुई, कंपेरेटिव डिग्री, समझ में आ रहा है आपको ये, जब मैंने कंपेयर किया मोस्ट मोर इंटेलिजेंट देन जैक, तो यहां पे कंपेयर हो गया, अच्छा है कौन, सैम, किससे, जैक से, तो कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, सैम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इंटायर क्लास, अब मुझे ये पता चला कि सैम जो है पूरी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैंने क्या कहा, सैम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन एंटायर क्लास, समझ में आया आपकी, पूरी क्लास में सैम इंटेलिजेंट है, दैट इज ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब उस क्लास में उससे ज्यादा इंटेलिजेंट और कोई नहीं है, ठीक है, समझ में आया आपके, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।